हेलो दोस्तों, एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया। आप देख सकते हो, ये आज़ाद सरकार एक व्यूअर्स है और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। वो कमेंट किया है कि वो उसका जो कमेंट है वो बांग्ला में लिखा है कि दादा, चाइना टीवी 8873 पीछे भी प्रॉब्लम होलो स्क्रीन रेड कलर एवं रिट्रेस लाइन হয়ে গেছে, ভোল্টেজ আরজিবি ক্যাথোডে দুইটা পিনে 138 ভোল্ট করে আছে, আর একটা পিনে মাত্র 5 ভোল্ট আছে। এর যদি বেসবোর্ড ওপেন করে মাপি তাহলে কিন্তু ক্যাথোড 138 ভোল্ট করে দেখাচ্ছে। এবার অন্য পিসিবি লাগালে সেম রেজাল্ট। অবস্থায় কী করব, কী করণীয়? পিকচার টিউব ওই একটা ক্যাথোডে শর্ট, এটা কি ঠিক হবে? এই প্রবলেম কি ঠিক করা যাবে? উপায় বলেন দাদা। তো দোস্তো, ইসকা মতলব ক্যা হতা হ্যায়, মাই হিন্দি মে বাতাতা হুঁ কি ও আজাদ সরকার নিয়ে জো বাতায়া कि जो CRT पिक्चर ट्यूब होता है वो पिक्चर ट्यूब शॉर्ट है, और वो जो किट यूज़ कर रहा है 8873 का PCB है, ठीक है। और वो बताया कि जो RGB का कलर पिन होता है, दो कलर पिन का 138 वोल्ट मिलता है, लेकिन एक जो कलर पिन होता है उस पर वोल्टेज 5 वोल्ट मिलता है। और वो दोस्त ने बताया कि वो जो PCB अलग पिक्चर ट्यूब पर लगा के देखा है, वो पिक्चर ट्यूब पर ओके है, और अलग PCB ये पिक्चर ट्यूब पर लगाने का बाद सेम रिजल्ट आता है, क्योंकि इसका पिक्चर ट्यूब पर शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। और उसका बाद मैं कमेंट पर उसको आंसर दिया है कि कलर प्रॉब्लम मेरे वीडियो देखूँ, क्योंकि कलर प्रॉब्लम में वीडियो देखूँ मतलब होता है कि कलर प्रॉब्लम का वीडियो देखे, ठीक है। और उसका बाद आज़ाद सरकार कमेंट किया है कि अपनार तो अनेक वीडियो आछे, कौन वीडियोटा देखबो? इसका मतलब होता है कि आपका तो बहुत वीडियो है, मैं कौन सा वीडियो देखूँगा? तो इसीलिए मैं दोस्तों को ये एक लिंक भेजा है, ठीक है। और उसका बाद मैं बताया कि नतून नतून किछु वीडियो आछे सेगुलो देखते पारें। इसका मतलब होता है कि नया नया बहुत कुछ वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और उसका बाद आज़ाद सरकार ने कमेंट किया है, दादा पिक्चर ट्यूब एकटा ক্যাথোড শর্ট হয়েছে, 100 ওয়াট বাল্ব দ্বারা চেক করলে কোনো কালার আসে না, বাকি RGB এই দুইটা ক্যাথোডে 100 ওয়াট বাল্ব দ্বারা টাচ করলে কালার আসে, জি ক্যাথোডে কোনো কালার আসে না, ভোল্টেজ মাত্র 10 ভোল্ট দেখায়। এই অবস্থায় কি পিকচার টিউবে ভালো, এই অবস্থায় কি পিকচার টিউব ভালো করা যাবে? কোনো উপায় আছে? অ্যাকচুয়ালি ইসকা মতলব হতে হয় কি ভাইয়া, পিকচার টিউব শর্ট হো গিয়া হ্যায় আর 100 ওয়াট বাল্ব সে মে চেক কিয়া হ্যায়, RGB কা পিন পর কালার হ্যায় আর গ্রে আর বি আর আর বি পিন পর কালার হ্যায়, জি পিন পর কালার নেই শো হো রাহা হ্যায় আর উসকা ভোল্টেজ 10 ভোল্ট হ্যায়, और इसका ऊपर ये पिक्चर ट्यूब ठीक, क्या पिक्चर ट्यूब भालो करा जावे कि पिक्चर ट्यूब ठीक कर सकते हो क्या, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो तरीका वो चेक किया, इसका ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है पिक्चर ट्यूब कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो वो वीडियो देख के ये दोस्त ये चेक किया और उसको कन्फर्म हो गया कि इसका पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैं वो दोस्त को रिप्लाई दे दिया इसको कैसे चेक किया जाता है। उसका बाद वो दोस्त ने कमेंट किया है कि दादा, अपनार काछे आकुल आवेदन, दादा अपनार काछे आकुल आवेदन, पिक्चर ट्यूब शॉर्ट कीभावे साराते हैं एकटू विस्तारित करे देखाबेन, बांग्लाय वीडियो दिले भालो हय। तो इसका मतलब होता है कि भैया, आपका पास मेरा को निवेदन है कि आप कौन सा तरीका से पिक्चर ट्यूब को ठीक किया जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाए और ये वीडियो बांग्ला से बनाए, ठीक है। तो दोस्तों, एक्चुअली ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ
इसका जो आवेदन मैं सब कुछ रखता हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो हिंदी से ही बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं जो हिंदी जिस तरह बनाता हूँ और जिस तरह बताता हूँ, ये बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी सब कुछ का ये समझने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ, आप लोग शुरू से देखते रहिए और उसका बाद प्रॉब्लम आएगा तब ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में आपको दिखाऊंगा जो CRT पिक्चर ट्यूब होता है। तो ये CRT पिक्चर ट्यूब स्मॉल नेक वाला भी होता है और बिग नेक वाला ट्यूब होता है, ठीक है। तो इसका जो पिन फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इसका पिन का जो फंक्शन होता है, ठीक है, जो RGB पिन, फिलामेंट पिन, सब कुछ स्मॉल ये स्मॉल पिक्चर ट्यूब के अंदर देखा जाता है और बिग पिक्चर ट्यूब के अंदर देखा जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो सोनी का पिक्चर ट्यूब होता है, जो ट्रिनीटोन सोनी ट्रिनीटोन पिक्चर ट्यूब होता है, उसका पिन फंक्शन पूरा ही अलग होता है, ठीक है। आज इस वीडियो के बारे में आपको देखाऊंगा जो नॉर्मल CRT पिक्चर ट्यूब होता है वो अल्ट्रा स्लिम भी हो सकता है और नॉर्मल ट्यूब भी हो सकता है, ठीक है। तो वो पिक्चर ट्यूब का इसका जो ये कैथोड पिन होता है, कभी कभी ये कैथोड पिन शॉर्ट हो जाता है अंदर से, ठीक है। तो ये शॉर्ट कैसे रिमूव किया जाता है, इसके ऊपर ही वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो दिखूँगा और बताऊँगा, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये देखिए, ये मेरे पास एक CRT PCB का एक बेस बोर्ड है, ठीक है। ये स्मॉल नेक का बेस बोर्ड है, ठीक है। और जो बिग बेस होता है, ये देखिए, दोनों पिन अलग होता है, ठीक है। तो ठीक है, मैं पूरा ही आपको क्लियर काट देता हूँ। कभी कभी देखा जाता है कि जो पिक्चर का जो प्रॉब्लम आता है, रेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, ग्रीन प्रॉब्लम भी हो सकता है और ब्लू कलर प्रॉब्लम भी हो सकता है, और कुछ भी एक कलर का साथ रिक्टस लाइन भी देखा जाता है, और दोस्तों उसका साथ लाइट भी बहुत कम देखा जाता है। कुछ कुछ टीवी पर पिक्चर भी देखा जाता है और कुछ कुछ टीवी पर पिक्चर भी नहीं आता है, ठीक है। यही फर्स्ट सिम्टम आपको पिक्चर ट्यूब पर देखना होगा, ठीक है। और उसका बाद जब आप वोल्टेज चेक करेगा तो दोस्तों फर्स्ट आपको बताता हूँ कि ये जो PCB होता है, ये PCB मार्केट पर अभी तीनों टाइप का मिलता है। ये देखिए, ये जो तीनों ट्रांजिस्टर वाला हो सकता है, 9 ट्रांजिस्टर वाला हो सकता है, और दोस्तों ICP बेसबोर्ड हो सकता है, ठीक है। तो जो कुछ ही बेसबोर्ड हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका जो मेन पिक्चर ट्यूब का जो पिन आपको देखना होगा, आपको RGB पिन देखना होगा। ये दोस्तों स्मॉल नेक का जो पिन होता है, ये स्मॉल नेक का ये वाला पिन GK का पिन होता है, मतलब ग्रीन कैथोड, और ये पिन R कैथोड का पिन, और ये लास्ट वाला B कैथोड का पिन है, ठीक है। और दोस्तों ये PCB का डिटेल्स आप जानना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दो वीडियो लिंक देख के रखा हूँ, आप वो वीडियो देख के ये PCB का डिटेल्स आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आइए आज आपको कैथोड, जो ये जो कैथोड पिन होता है, जो पिक्चर ट्यूब का पिन का अंदर, पिक्चर ट्यूब का अंदर जो कैथोड पिन, वो कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, इसलिए वो प्रॉब्लम देखा जाता है। तो उसी के समय जब आप वोल्टेज चेक करेगा पूरा ही सेट ऑन करने के बाद, मान लो ये पिन पर वोल्टेज ओके है, ये पिन पर वोल्टेज ओके है, और ये पिन पर वोल्टेज नहीं है और डाउन भी है, बहुत कुछ रीजन हो सकता है, ठीक है। और दूसरा बार जब अब ये बेस को पिक्चर ट्यूब से ओपन करके और सेट पर लाइन देके टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद उसी का समय देखा जाता है कि इसका तीनों पिन पर वोल्टेज लगभग सेम देखा जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका पिक्चर ट्यूब का अंदर ये कैथोड पिन शॉर्ट है। तो दोस्तों कुछ भी ये तीनों पिन का कुछ भी पिन शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों मान लो ये दो पिन का सेम वोल्ट है और ये पिन डाउन है, और पिक्चर ट्यूब से ये बेस को ओपन करने के बाद वोल्टेज चेक करेगा तब भी ये पिन पर वोल्टेज डाउन है, तो इसी के लिए आपको ये बेस बोर्ड को अलग अलग जो ट्रांजिस्टर होता है, एक्चुअली बी कैथोड का सप्लाई का जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ये जो बी कैथोड पिन का जो सप्लाई का जो ट्रांजिस्टर होता है, ये जो लाइन, ये सेक्शन को आपको देखना होगा, ठीक है। और एक बात आपको बता देता हूँ, जो इसके ऊपर मैं मेरे चैनल पर 2-3 वीडियो बना के रखा है, ये देखिए, ये जो वायर होता है, ये वायर से ये कनेक्शन, ये देखिए बेस बोर्ड पर जाता है, ठीक है, RGB सिग्नल। कभी कभी ये जो RGB सिग्नल लाइन होता है, ये RGB सिग्नल लाइन का साथ तीनों जेनर देखा जाता है, ठीक है, और 4148 भी जेनर, 4148 डायोड भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये जेनर डायोड शॉर्ट होने के लिए भी उस तरफ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ये एक बार ध्यान दीजिए। और IC का कुछ भी कलर पिन शॉर्ट होने के लिए उस तरफ प्रॉब्लम देखा जाता है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट आप ये चेक कीजिए, ठीक है। और आज आपको जो दिखाऊंगा कि कैथोड पिन शॉर्ट कैसे रिमूव करें, तो इसी के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मैं मनोहर लोटी का जो राइटर होता है, उसका जो ड्राइंग बुक होता है, सर्किट बुक, उसका अंदर ये सर्किट मैं देखा, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा क्लियर काट देता हूँ और उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है।
तो पिक्चर ट्यूब का जो कैथोड पिन को रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ 200 वाट एक बल्ब जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद ये पिक्चर ट्यूब का अंदर जो सिस्टम होता है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। पिक्चर ट्यूब का अंदर तो तीनों मेन RGB पिन आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और दो फिलामेंट पिन होता है, ठीक है। तो दो फिलामेंट जो पिन होता है ये बाहर से दो पिन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पिक्चर ट्यूब का अंदर तीनों फिलामेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अच्छा करके क्लियर करके देखेगा तो तीनों फिलामेंट पिक्चर ट्यूब के अंदर है। जब आप सप्लाई देकर टेस्ट करेगा फिलामेंट जलेगा तो आपको नज़र में आएगा कि तीनों फिलामेंट है। ये तीनों फिलामेंट का जो मतलब होता है, ये जो आर कैथोड का जो पिन होता है, ये आर कैथोड से जो रेड कलर का पिक्चर सिग्नल ये पिन पर आता है, ठीक है। ये आर कैथोड का पॉइंट पर आने का बाद ये फिलामेंट जब जलेगा उसका बाद ये से आर सिग्नल पिक्चर ट्यूब का बीच पर जो सिग्नल ये डॉट पॉइंट होके पिक्चर ट्यूब के बीच पर आता है। तो इसी हिसाब से और इसी तरह आर सिग्नल का जो रेड जी कैथोड जो होता है, जी कैथोड से ग्रीन पिक्चर का जो होता है ग्रीन पिक्चर, ये एट ए टाइम RGB तीनों कलर का मिक्सिंग होने का बाद या अलग अलग कलर पिक्चर ट्यूब के बीच डॉट से आता है, ठीक है। डॉट से आता है, ये डॉट से आने का बाद जब इसका जो योक कॉयल होता है, ठीक है, इस पर योक कॉयल कनेक्शन होता है। योक कॉयल आपको दिखाता हूँ, और ये योक कॉयल का जो बाहर वाला जो पॉइंट आप देख कॉयल देख रहे हो ये वर्टिकल का कॉयल है, ठीक है। ये बाहर वाला जो कॉयल है वर्टिकल का कॉयल है, ठीक है। सॉरी, ये वर्टिकल का जो कॉयल होता है, ये वर्टिकल कॉयल पिक्चर के साइज को ऊपर और नीचे बढ़ा देता है। और हॉरिजेंटल कॉयल का, ये हॉरिजेंटल जो कॉयल होता है, हॉरिजेंटल का कॉयल का जो पिक्चर का साइज दोनों साइज लेफ्ट और राइट बढ़ा देता है, ठीक है। इसी हिसाब से ये कॉयल को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आइए, तो रेड कलर प्रॉब्लम, ग्रीन कलर और ब्लू कलर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका बहुत रीज़न होता है। फर्स्ट तो PCB को आपको देखना पड़ेगा, और जब देखेगा कि वो PCB ओके है और अलग पिक्चर ट्यूब पर लगा के आप देखने के बाद देखेगा तो पिक्चर वो किट का जो कलर वो सब कुछ ओके है। जब आप अलग जो प्रॉब्लम पिक्चर ट्यूब पर लगाएगा और उसके बाद देखेगा तो कुछ भी कलर एक प्रॉब्लम है, तो इसी के लिए उसका जो रीज़न होता है, ये जो कैथोड पॉइंट होता है ये अंदर से कभी कभी काट जाता है। इसका अंदर एक जॉइंट दिखा जाता है अंदर का, ठीक है। जब ये कैथोड पॉइंट जॉइंट ओपन हो जाएगा तो ये पिक्चर ट्यूब को आप किसी भी तरह से रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये एक रीज़न है, और एक रीज़न है कि इसका अंदर जो तीनों फिलामेंट होते हैं, कुछ भी एक फिलामेंट काट जाएगा, तो मान लो ये फिलामेंट काट गया तो इसका रेड कलर प्रॉब्लम पिक्चर ट्यूब पर आएगा, ये आप किसी तरह से रिपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, आप जब देखेंगे ये तीनों फिलामेंट जल रहा है और मान लो रेड कलर का प्रॉब्लम है, तो आप ये सर्किट जो मैं बनाया ये सर्किट का हिसाब से आप ये शॉर्ट कप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि देखा जाता है कि सल्फर का बजाय पिक्चर ट्यूब का अंदर ये कैथोड पिन के साथ ये फिलामेंट पिन शॉर्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है, सल्फर के बजाय। तो ये सल्फर कैसे रिमूव किया जाता है, इसका ऊपर ही वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। और एक बात, मैं नीचे से दो ड्राइंग बना के रखा है, ये बीक नेक का जो बेस होता है बेस का पीछे साइड, और ये स्मॉल नेक का जो बेस होता है इसका पीछे साइड, ठीक है। ये 7 नंबर पिन का बेस है और ये 9 नंबर पिन का बेस है। तो इसी आपको समझने के लिए मैं दो बेस मेरा पास रखा है, ये बिग नेक वाला और ये स्मॉल नेक वाला, ठीक है। ये बेस का फ्रंट साइड है, ठीक है, ये फ्रंट साइड है। मैं ड्राइंग किया है कि पीछे साइड का, ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे साइड का मैं ड्राइंग किया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 पिन है, ठीक है, ये 9 पिन का बेस है। तो इसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पिन का बेस है, ठीक है। और देखिए ये दोनों पिन ओपन हो जाता है, ओपन होता है कुछ कुछ PCB पर, और ये जो पिन होता है ये बी कैथेड का पिन है और ये हीटर का पिन है। ये हीटर का पिन का साथ ही ग्राउंड पिन ये पासापासी देखा जाता है, ठीक है। ये हीटर का पिन है और उसके बाद ये आर कैथेड का पिन है और उसके बाद ये जी कैथेड का पिन है, ठीक है। और जब ये स्मॉल नेक वाला बेस देखेगा तो ये स्मॉल नेक वाला जो बेस होता है इसका ये जी कैथोड का पिन है और ये बी कैथोड का पिन है और ये आर कैथोड का पिन है, ठीक है। और इसका जो हीटर पिन होता है ये हीटर पिन है और ये ग्राउंड पिन है। कुछ कुछ बेस पर ये हीटर पिन हो जाता है और ये ग्राउंड पिन हो जाता है, ये आप एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताता हूँ। ये देखिए ये जो तीनों फिलामेंट होता है ये अंदर का फिलामेंट है, लेकिन बाहर दो पॉइंट देखा जाता है। मान लो ये हीटर का दो पॉइंट है, ये जो हीटर का दो पॉइंट ये होता है। एक्चुअली ये जो मैं शॉर्ट किया ये दो पॉइंट को शॉर्ट करना होगा, ठीक है। ये स्मॉल नेक का बेस है। जब आप बिग पिक्चर ट्यूब पर कैथोड को रिमूव करेगा तो इसलिए ये जो हीटर पॉइंट होता है ये दो पिन को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं शॉर्ट किया और ये शॉर्ट करने के बाद ये पिन को AC सप्लाई आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद
ये देखिए तीनों अलग अलग कैथोड पिन को मैं अलग अलग काट करके रखा है, और ये एक पॉइंट, ये 100-200 वाट का बल्ब का ये पॉइंट है, ठीक है। और देखिए यह जो अलग जो पॉइंट है ये से आपको सप्लाई देना पड़ेगा। मैं ये स्विच का एक सिंबल देख के रखा है। अब इसी तरह कुछ भी एक पीसीबी को पीसीबी के अंदर ये रेडी कर सकते हैं सर्किट, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए ये मैं हटा देता हूँ, और ये आप चाहे तो आप ये जो पेज को आप स्क्रीन शॉट करके रख सकते हो, ठीक है। अब देख लीजिए, तो आइए उसका बाद प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। मेरा पास एक पिक्चर ट्यूब है, ये जो स्मॉल वाला बेस, फर्स्ट ये पीसीबी को सब कुछ ओपन करना पड़ेगा पिक्चर ट्यूब से, और उसके बाद मैं स्मॉल वाला बेस ये लगा देता हूँ। ये बेस को आपको सावधानी से लगाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी उल्टा प्रेशर देगा तो, जोर से प्रेशर देगा तो इसका नेक टूट जाने का चांस होता है, ठीक है। ये मैं लगा दिया, ठीक है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों उसका बाद आपको ड्राइंग के साथ ही देखा था। देखिए ये जो स्मॉल लिंक वाला बेस होता है, ये बेस का ये जो ये नीचे वाला बी कैथेट का पिन मैं छोड़ देता हूँ, और उसके बाद ये जो दो पॉइंट होता है पिन होता है, ये देखिए ये फर्स्ट पिन को मैं छोड़ देता हूँ, और इसका जो दो पिन होता है, ये दो पिन को मीटर से चेक करेगा तो बाटजर से ये बाटजर साउंड देगा, और ये पिन पर कॉन्टिन्यूटी देखेगा, क्योंकि इसका जो दो पॉइंट पिन ये फिलामेंट पिन होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये डाउन काट देता हूँ, और एक छोटा सा वायर लेके पिन को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए दो पिन को मैं शॉर्ट कर दिया, और एक्स्ट्रा वायर को मैं काट देता हूँ। और उसका बाद दोस्तों आपको 200 वाट लैंप सीरीज करना पड़ता है। तो देखिए मेरे पास एक नॉर्मल सवार है, ठीक है, ये नॉर्मल सवार है, ये एक एसी कॉर्ड है, ठीक है। ये एसी कॉर्ड को मैं कनेक्शन करता हूँ, आप देखिए। एक्चुअली मेरे ये जो मेन सप्लाई बोर्ड होता है एसी सप्लाई, यहाँ पर मैं 200 वाट बल्ब में सीरीज बोर्ड करके ही रखा है, ठीक है। और ये जो लाइन होता है आप देख सकते हो, ये सीरीज लाइन है, ये से मैं ये जैक कनेक्शन किया, ठीक है, ये जैक कनेक्शन किया। और उसका बाद ये जो दो पॉइंट ये देख सकते हो आप, ये दो पॉइंट ये शॉर्ट करने के बाद, ये दो पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद वो सीरीज लैंप जल जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली देखाता हूँ। फर्स्ट अब देखिए इसका मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है, ये मैं सप्लाई दे दिया। और उसका बाद ये देखिए ये जो दो पॉइंट होता है, ये दो पॉइंट को मैं शॉर्ट करता हूँ। ये देखिए पिन को मैं जब शॉर्ट किया, ये लैंप जल गया, और ये पिन को मैं जब छोड़ देता हूँ, ये लैंप ऑफ हो जाता है, ये सीरीज लाइन है, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक बार लाइन स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं एक हाथ से कैमरा काटता हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखिए ये जो सप्लाई पॉइंट होता है, ये एक पिन के साथ मैं ये जो फिलामेंट को मैं ज्वाइन किया, इस पिन के साथ मैं कनेक्शन काट देता हूँ, ठीक है, कनेक्शन काट दिया। तो आप ड्राइंग एक बार फॉलो कीजिए। ये जो ड्राइंग है, ये दो फिलामेंट जो होता है, दो फिलामेंट को शॉर्ट किया, और ये पॉइंट पर मैं कनेक्शन किया, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार ये ड्राइंग का अच्छा करके। ये जो फिलामेंट होता है, तीनों फिलामेंट का जो दो पॉइंट होता है, ये दो पिन को मैं जब ये पिन पर ज्वाइन किया, ये मैं ये पिन पर ज्वाइन किया, ठीक है। और ये अलग पिन तो बाच किया, और ये जो लाइन होता है ये सीरीज लाइन से कनेक्शन है, ठीक है, ये सीरीज लाइन से कनेक्शन है। तो ये जो पॉइंट बाच गया, ये मैं एक एक कैथोड पिन को टच करूँगा, ठीक है। ये कैथोड पिन पर कुछ टाइम रखूँगा, ये जो कैथोड पिन होता है, और ये कैथोड पिन पर कुछ टाइम रखूँगा, और ये कैथोड पिन पर कुछ टाइम रखूँगा। रखने के बाद तो आपको देखने को मिलेगा, जब कैथोड पिन शॉर्ट होगा तो ये लैंप हल्का सा जलेगा, और कुछ टाइम जलने के बाद वो इसका जो कैथोड पिन जो फिलामेंट का साथ सल्फर के वजह शॉर्ट होता है, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली देखाता हूँ कि स्मॉल लिंक वाला जो ये जो बेस होता है, इसका फर्स्ट जो बी कैथोड का पिन है, ये पिन पर जिस पिन आपको शॉर्ट देखेगा,
उसी पिन को आपको फ्लैशिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तीनों पिन को करके देखाऊंगा, फर्स्ट ही नीचे वाला पिन को करूंगा, ठीक है। ये जो पिन होता है तो मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया और उसके बाद ये पिन को फ्लैशिंग करूँगा। तो दोस्तों मैं फ्लैशिंग करता हूँ सप्लाई देने के बाद, और लैम्प भी नहीं जलता है क्योंकि इसका कैथोड पिन शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तब भी आप कुछ टाइम ऐसे करके रख सकते हो, हल्का सा शॉर्ट होगा तो पिक्चर ट्यूब का अंदर कैथोड पिन वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और उसका बाद आपको दिखाऊंगा जी कैथोड का पिन, ठीक है। ये बी कैथोड का पिन मैं किया और इसका जी कैथोड ये ऊपर वाला पिन है, ठीक है। तो ये पिन को आपको इस तरह कुछ टाइम रखना पड़ेगा, और ये पिन शॉर्ट होगा तो आपका जो 200 वाट लैम्प वो ज़रूर हल्का सा भी जलेगा, ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो रिमूव हो जाएगा। तो ये पिन को मैं चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 200 वाट लैम्प बल्ब ये नहीं जलता है, लगता है कि इसका पिन भी ओके है, ठीक है। और उसका बाद ये G2 का पिन है और उसका बाद ये R कैथोड का पिन है। तो दोस्तों ये R कैथोड का पिन पर मैं टच करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपका पिक्चर ट्यूब का कैथोड पिन शॉर्ट होगा तो ये ज़रूर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और आपका पिक्चर ट्यूब का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और रिक्स भी नहीं है, आप आसानी से ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये जो दिखाया, आपको प्रैक्टिकली एक बार देखाऊंगा इस पर लाइन है कि नहीं है, ठीक है। जब ये जो पॉइंट को मैं टच करूँगा तो ज़रूर 200 वाट बल्ब जलेगा, ठीक है, आप देख सकते हो। ये देखिए, तो मैं एक बार कैमरा को उल्टा करके सीधा करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए, ये पिन को मैं टच करता हूँ और देखिए मैं बल्ब इसका ये जल गया, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ ये पिन को एक बार टच करके, देखिए ये पिन शॉर्ट होगा तो इसका बल्ब ज़रूर जलेगा, लेकिन देखिए ये पिन शॉर्ट नहीं है, ये पिन शॉर्ट नहीं है, ठीक है, ये पिन शॉर्ट नहीं है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। और उसके बाद ये पिन शॉर्ट नहीं है, देखिए बल्ब नहीं जलेगा, और उसके बाद ये पिन भी शॉर्ट नहीं है और बल्ब भी नहीं जलेगा, ठीक है। जब कैथोड पिन शॉर्ट होगा ये ज़रूर जलेगा, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और एक बात आप ज़रूर ध्यान दीजिए, ये तीनों फिलामेंट का कुछ भी एक फिलामेंट काट जाएगा तो ये ट्रिक आपको काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो कैथोड पिन ये अंदर से रिमूव हो जाएगा और काट जाएगा तो तब भी ये पिक्चर ट्यूब आप रेडी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और दोस्तों आप बाहर से ये पिक्चर ट्यूब का कौन कैथोड पिन ओके है और कौन कैथोड पिन प्रॉब्लम है ये चेक कर सकते हो, इसके ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, वो वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखो, आप देख सकते हो, ठीक है।